अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान। आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी देने जा रही हूँ जो कि है पिज़्ज़ा। और इसकी डो से लेके और टॉपिंग्स तक मैं आपको सब बताऊँगी कि आप कैसे घर पे आसानी से अच्छी क्वांटिटी में और ज़्यादा टॉपिंग्स के साथ बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को क्लोजली फॉलो कीजिएगा। डो की जो रेसिपी है पहले मैं उससे स्टार्ट करूँगी और फिर मैं आपको इसी डो से आगे जाके बंस बनाना भी सिखाऊँगी। तो ये जो डो की रेसिपी है वो बहुत स्पेशल है इन द सेंस कि आप एक ही डो से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये बेसिक डो की रेसिपी भी आपको इसमें मिलेगी और पिज़्ज़ा की भी रेसिपी आपको मिलेगी। शक्ल तो आपने देख ही ली है कि बिल्कुल जो है वो चीज़ी और सॉफ्ट ये पिज़्ज़ा बना है। मैं काट के भी आपको दिखाऊंगी और रेसिपी को मैं शुरू कर रही हूँ। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप यू डू ट्राई दिस। डो तैयार करने के लिए सबसे पहले मेरे पास है मैदा 4 कप्स, जिसको मैंने छान लिया है। इसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच नमक, घर की पिसी हुई चीनी 3 खाने के चम्मच, यीस्ट 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर, सूखा दूध इसमें जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सॉफ्ट जो है वो पिज़्ज़ा का बेस या बंस तैयार हो सकेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा 1/2 कप दूध और इसी दूध में मैं मिलाऊंगी 1.5 कप पानी। तो 1/2 कप दूध और 1.5 कप पानी डाल के इसको बहुत हल्का कुनकुना गरम करना है और यूज़ करना है। ऑयल इसमें जाएगा 4 खाने के चम्मच। तो अब मैं मैदे के अंदर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले डालूंगी। यीस्ट डाल दिया है, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ड्राई मिल्क पाउडर, इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी, नमक, और अब मैं इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल के बाद जो 1/2 कप दूध और 1.5 कप पानी हमने कुनकुना गरम किया था वो थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इस डो को गूंद लूँगी। पहले मैं चम्मच से हल्का सा मिक्स करूँगी और फिर हाथ की मदद से इसको आटे को गूंद लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके वो दूध और पानी का मिक्सचर डालते रहिए और इसको गूंदते रहिए। तो सारा का सारा जो मिक्सचर था दूध और पानी का वो मैंने इसको यूज़ करते हुए गूंद लिया है। अब आपको लगेगा कि ये जो डो है वो स्टिकी है, हाथों पर चिपक रहा है, बोल में चिपक रहा है। तो करना आपको ये है कि इसको आप हाथों से समेटेंगे और इसको प्रेशर के साथ, हल्का प्रेशर के साथ बोल में वापस डालेंगे। ये आपको अच्छी खासी दफ़ा करना है, इस तरीके से उठा उठा के वापस डालना है हल्के से प्रेशर के साथ। इससे होगा ये कि जब आप ये काफ़ी दफ़ा कर लेंगे तो आपको फील होने लगेगा कि जो डो है वो बोल के साइड्स को छोड़ रहा है और क्लीन साइड्स जो हैं वो आपको नज़र आने लगेंगे और जो डो है वो अपना जो फॉर्म है और कंसिस्टेंसी है वो खुद बेहतर उसकी होने लगेगी। तो आप ये वाली जो मूवमेंट है और जो स्टेप है वो करें और जब प्याला जो है वो आपको लगेगा कि हाँ इस तरीके से सिमट रहा है और डो जो है वो एक प्रॉपर अपना जो शेप है और जो सॉफ्टनेस है वो ले रहा है तो फिर आप स्टॉप कर दीजिएगा और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलिएगा। अब मैं क्या करूँगी, बहुत थोड़ा सा तेल मैंने हाथों पर लगा लिया है और इस तरीके से जो डो है उसको समेट के अपने हाथों से शेप दे के बोल में वापस रखूँगी और इसको कवर करना है और किसी गर्म जगह पे आप रख दें
तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये जो है वो राइज हो सके। तो 1 घंटे के बाद डो जो है वो बहुत अच्छा राइज हो चुका है। काउंटर टॉप पे मैंने मैदा स्प्रिंकल किया है। अब मैं इसके ऊपर ये डो निकालूंगी और इसमें से आधा यूज़ करूंगी बंस बनाने के लिए और आधा पिज़्ज़ा बनाने के लिए। बंस भी आप आगे देख सकेंगे। तो हाफ़ जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने के लिए, और इसको मैं पहले हाथ से राउंड करूँगी, राउंड शेप दूँगी और फिर इसको बेल लूँगी। थिकनेस ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से थिकनेस रख लीजिएगा कि आप जब खाएं तो आपको कितनी थिकनेस चाहिए है ब्रेड की, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने लार्ज पिज़्ज़ा बनाया है तो उस हिसाब से थिकनेस रखी है। इट डिपेंड्स ऑन यू द शेप एंड साइज़ ऑफ पिज़्ज़ा दैट यू वॉन्ट टू मेक। तो अब मैं इसको बेल लूँगी और फिर इसके ऊपर की जो टॉपिंग्स हैं और क्या क्या डालूँगी ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब मैंने इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर रख दिया है और बटर पेपर नीचे रखा है, उसके ऊपर डो को रखा है और इसको मैं अब फोर्क की मदद से, कांटे की मदद से प्रिक कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसके ऊपर टॉपिंग्स डालूँगी। अब टॉपिंग्स में मेरे पास है मोत्सरेला चीज़ जो कि मैंने कद्दूकश किया हुआ है। चिकन चंक्स इसमें जाएंगे जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा। कुछ सब्ज़ियाँ हैं, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज लम्बा लम्बा काट लिया है, ओरेगानो है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ओलिव्स हैं ब्लैक और ग्रीन। इसके अलावा ये मैरिनारा सॉस है या पिज़्ज़ा सॉस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैरिनारा सॉस की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। तो सबसे पहले तो आप बेस पे ये सॉस डाल दें और अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कर लें। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप चीज़ ज़्यादा डालना चाह रहे हैं, चिकन ज़्यादा करना चाह रहे हैं, पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग्स होती हैं उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको वो चीज़ लाजमी डालनी है या नहीं डालनी, आपकी मर्ज़ी है। आप जो भी टॉपिंग्स चाहें वो डाल सकते हैं। तो सॉस के बाद फिर मैं चीज़ डालूंगी और फिर जो भी टॉपिंग्स डालूंगी वो आप साथ साथ फॉलो करते रहिए। ओरेगानो और कुटी हुई लाल मिर्च आप ऊपर से स्प्रिंकल कर दें और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट कर लें, चीज़ डाल दें ऊपर से। और पिज़्ज़ा आपको बेक करना है 200 डिग्री सेल्सियस पे 12 से 15 मिनट के लिए।
तो बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और चीज़ी सा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। इसके बाद मैं आपको बंस बनाना सिखाऊंगी इसी डो को यूज़ करते हुए। तो अब जो डो है मेरे पास आधा, उसको यूज़ करके मैं बंस बना रही हूँ। बंस बनाने के लिए डो को आपको लंबा करना है इस तरीके से, और 9 बंस बनेंगे छोटे बंस। सो उस हिसाब से आपको इसको लंबा करके 9 पीसेस में काटना है। और अगर आपको इसी के बड़े बंस बनाने हैं तो आप अपने हिसाब से पीसेस में कट कर लें, बट मैं मिनी बंस बना रही हूँ इस डो के, तो मैं 9 पीसेस इसमें से काटूँगी। तो इस तरीके से इसको लंबा करके 9 पीसेस में डिवाइड कर लें। अब आप एक एक पीस को उठाएं और इस तरीके से अंदर दबा दबा के अंदर की तरफ इसकी एक बॉल बना लें, और बन का शेप देके जो भी सांचा आप इस्तेमाल करते हैं बेकिंग के लिए उसको बटर पेपर से लाइन करके थोड़ा सा ग्रीस कर लें ऑयल के साथ, और फिर इसके ऊपर ये पीसेस एक एक करके शेप दे के रखते रहें। अब आपको कवर करके इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है ताकि ये मज़ीद राइज हो सकें, और कपड़ा यूज़ करें कवर करने के लिए, और बस 10 मिनट या 12 मिनट के लिए छोड़ दें। आपको ख़ुद ही पता लग जाएगा कि ये राइज मज़ीद हो गए हैं, फिर मैं बेक करूँगी इनको। तो ये राइज हो चुके हैं। अब मैं अंडा ब्रश करूँगी, एक अंडा फेंट के उसको ब्रश कर लें इन बंस के ऊपर। अंडा लगाने के बाद अब ऊपर से आप कलौंजी और सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर दें इनके ऊपर। किसी पे कलौंजी डाल दें, किसी के ऊपर सफ़ेद तिल डाल दें, और इस तरीके से कंप्लीट कर लें। ये करने के बाद बेक कर लें बंस को 200 डिग्रीज सेल्सियस पे 12 से 15 मिनट के लिए। तो बंस बेक हो चुके हैं, बहुत अच्छा कलर आया है। उसी डो को यूज़ करते हुए आप सोचें कि आप कितनी आसानी से घर पे बंस बना सकते हैं। और अब यह है कि इनके ऊपर मैं मेल्टेड बटर ब्रश कर रही हूँ। मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट कर लें और इनके ऊपर लगा दें। ब्रश करने के बाद मैं इनको कपड़े से कवर करके थोड़ी देर के लिए और छोड़ूंगी, और फिर सर्व करूँगी।
तो बंस जो हैं वो अब फाइनली बिल्कुल तैयार हैं, बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बाहर से लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। आप घर पे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से आप एक रेसिपी को यूज़ करते हुए जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, आप बंस भी बना सकते हैं। इनमें अब आप फिलिंग करें या आप मक्खन लगा के खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब मैं बंस को सर्व कैसे करती हूँ ये भी आप देखें, और फिर मुझे उम्मीद है कि आप इस डो को यूज़ करते हुए पिज़्ज़ा भी बनाएंगे, बंस भी बनाएंगे। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, इसको ज़रूर बनाइएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मौका मिल सके कि वो रेसिपीज़ को यूज़ करते हुए ट्राई कर सकें, डिशेस बना सकें और इन्जॉय कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।